अयोध्या में भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का सभी भक्तों को बेसब्री से इंतजार है। इसको लेकर लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में प्राण प्रतिष्ठा के धार्मिक अनुष्ठान के लिए जोधपुर से देशी गाय का शुद्ध 600 किलो घी अयोध्या पहुंचाया गया है। ये घी राम मंदिर में अखंड ज्योति के भी उपयोग में लिया जाएगा। आगामी 22 जनवरी को भगवान श्री राम लल्ला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जहां संपूर्ण विश्व के सनातन धर्मावलंबी खासा उत्साह में हैं, तो वहां भगवान राम लल्ला को लोग सोने चांदी और धन के अलावा तरह तरह की वस्तु भी भेंट कर रहे हैं। इसी क्रम में भगवान के प्राण प्रतिष्ठा के धार्मिक अनुष्ठान के लिए राजस्थान के जोधपुर से 108 कलश में देसी गाय का शुद्ध 600 किलो घी लाया गया है, जो राम मंदिर में गर्भगृह में श्री राम अखंड ज्योति और इसके साथ ही रामलल्ला के प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर होने वाले धार्मिक अनुष्ठान में उपयोग किया जाएगा। जिन संत महापुरुष के संकल्प से ये गोघर यहाँ आया है तो उनको तो कृतज्ञता व्यक्त करता ही हूँ। मैं जोधपुर की धरती को एक और प्रणाम करता हूँ। जोधपुर की पावन धरती से गो माता का घृत बहुत बड़ी मात्रा में भगवान श्री राम की सेवा के लिए पहुंचाया गया। धन्य है वे लोग जो लोग इतनी श्रद्धा के साथ इस शुद्ध गो घृत को, जिसको कि आयुर्वेद ने आयुष्य का परम विकल्प माना है और इससे अधिक पवित्र कुछ भी नहीं माना गया है, वो गोमाता का घृत राजस्थान की वीरों की धरती से यहाँ पर भगवान श्री राम की सेवा में आकर के पहुंचा है। भगवान श्री राम की ज्योति इस घृत से जलनी चाहिए, जो नंदादीप के रूप में गर्भगृह में जलती है।